नमस्कार, वीकली एनर्जी कॉम्प्लेक्स आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम कच्चा तेल और नेचुरल गैस की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां कच्चे तेल में तो हमने 2.5% की तेजी देखी, बट नेचुरल गैस में जो पिछले हफ्ते में गिरावट थी वो पूरी गिरावट खत्म होते हुए दिखाई दी और लगभग 14.5% की बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी। और इस वक्त भी 510 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इसके मुख्य कारण है, सबसे पहले है डॉलर में गिरावट। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट भी मिला है। साथ में 1 नवंबर से ओपेक अपना प्रोडक्शन कट कर सकता है, जिसके चलते भी प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला है। रिसेंटली कल के सेशन में इन्वेंट्रीज में तो हमने थोड़ा बहुत बिल्टअप देखा, लेकिन गैसोलिन के स्टॉक्स है वो काफी हद तक नेगेटिव ही दिखा रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। चाइना से हमने देखा था कि कोविड के चलते कुछ कंसर्न्स बने थे। इनफैक्ट सितंबर मंथ के जो चाइना के इंपोर्ट डेटा है उसमें भी 2% की गिरावट दिखा रही, बट एसपीआर होल्डिंग जो यूएस में है ये कहीं ना कहीं काफी ड्रॉप दिखा रहा है, 1984 के लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये तो माना जा रहा है कि यूएस फर्दर इंटरवेंट नहीं करेगा, और ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट की बात की है 1 तारीख से, अगर ये लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल में बड़ा जंप आ सकता है, जो फिर से 92-93 डॉलर WTI दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी 7500-7600 तक का लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस के लिए बर्थ शेयर के हमने देखे कि कुछ यूनिट्स है वो क्लोज हुए थे, जिसके बाद प्राइजेस में गेन मिला। साथ में माइल्ड वेदर जो पिछले हफ्ता था वो अब धीरे धीरे विंटर सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से भी डिमांड इंप्रूव है। टेक्निकली भी ओवरसोल्ड जोन में था, जिसका पूरा पूरा सपोर्ट हमने नेचुरल गैस को आते हुए देखा। आज इन्वेंट्री डेटा है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं थोड़ा बिल्टअप जरूर है, बट डिमांड इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देगी, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि यूके के जो नए प्रेसिडेंट नए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फ्रैकिंग के ऊपर फिर से बैन लगा दिया है, जो नेचुरल गैस और कच्चे तेल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल नेचुरल गैस और कच्चा तेल अगले हफ्ते के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो हम $90 तक का लेवल WTI में देखते हैं, जबकि 650 तक का लेवल नेचुरल गैस में आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वीकनेस अब तक प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा था, बट अभी थोड़ी बहुत रुपए में हमने मजबूती देखी है। बट डिस्पाइट दैट हमें लगता है जो रेंज रहेगा 6800-7500 का कच्चा तेल का रहेगा, 7100 के करीब लेके चलिए, 7550 तक का टारगेट रहेगा। नेचुरल गैस में भी 480 के सपोर्ट से मार्केट पॉजिटिव रहेगा, जो 560 के तक के टारगेट हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल दोनों काउंटर के अंदर बाइंग अगले हफ्ते के लिए करके चलना चाहिए। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों ही तेज दिखाई दे रहा है।